बनानी एंड यू आर वाचिंग ब्यूटी विद बनानी। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ मॉनसून डे स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में एकदम न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड साइड में जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज, आई होप मॉनसून सीजन आप सभी को ही बहुत ही पसंद है क्योंकि इस सीजन में हम लोगों को बारिश दिखने में मिलता है एंड बारिश हम सभी को ही बहुत ही पसंद होता है। लेकिन इस सीजन में स्किन में बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। मॉनसून सीजन में स्किन में पिंपल, रैश, इचिंग और मेन जो प्रॉब्लम है वो है स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम इस सीजन में दिखने में मिलती है। तो मॉनसून सीजन में स्किन में एक्स्ट्रा केयर करना भी जरूरी होता है। एंड गाइस, हम सबको डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मेरा मॉनसून डे स्किन केयर रूटीन ही शेयर करूंगी। एंड गाइस, प्लीज फुल वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड प्लीज वीडियो को स्किप मत करना। चलिए गाइस, मैं आप सभी को दिखाती हूँ कि मैं कैसे मॉनसून सीजन में स्किन केयर रूटीन को फॉलो करती हूँ। फर्स्ट मैं फेस वॉश कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मामाअर्थ की चारकोल फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। एक बहुत ही अच्छा फेस वॉश है स्पेशली ऑयली स्किन के लिए। नीच से बहुत ही अच्छे से ऑयल कंट्रोल भी होता है। आपका अगर ऑयली स्किन है तो आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हो एंड आपका अगर ड्राई स्किन है तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। मॉनसून में आपको 3-4 टाइम्स फेस वॉश करना चाहिए क्योंकि मॉनसून सीजन में स्किन में इचिंग, रैश और स्किन बहुत ही जल्दी ऑयली भी हो जाता है। तो आपको 3-4 टाइम्स फेस वॉश करना ही चाहिए। फिर मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर बायोटिक का रोज टोनर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। मॉनसून सीजन या कोई भी सीजन हो, आपको फेस वॉश करने के बाद टोनर अच्छे से फुल फेस पर यूज़ करना चाहिए। टोनर यूज़ करने से आपका जो पीएच बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एंड स्किन हाइड्रेट भी होता है। एंड टोनर यूज़ करने से स्किन जल्दी ऑयली भी नहीं होता है। फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मामाअर्थ के ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल फ्री और लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। आपको स्किन में मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ही चाहिए क्योंकि मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से स्किन मॉइस्चराइज्ड होता है एंड हाइड्रेट भी रहता है स्किन। फिर मैं सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर मामाअर्थ की अल्ट्रा राइट सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। मॉनसून या कोई भी सीजन हो, आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए। सनस्क्रीन आपको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है और स्किन डैमेज होने से भी आपको प्रोटेक्ट करता है, तो आपको सनस्क्रीन यूज़ करना ही चाहिए। फिर मैं लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी। मैं यहाँ पर मेबलिन का लिप बम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी लिप बम यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, आप सभी ने देखा मेरा मॉनसून स्किन केयर रूटीन एंड मैंने जो जो प्रोडक्ट यूज़ किया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हो। एंड गाइस, आप अगर इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आप लोगों के स्किन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड वो कोई भी सीजन हो, चाहे समर हो या विंटर हो और रेनी सीजन, कोई भी सीजन हो, आप अगर डेली स्किन केयर रूटीन अच्छे से फॉलो करोगे एंड CTM प्रोसेस को अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका भी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
सो गाइज आई होप आप सभी को ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छी लगी एंड आपको अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एंड ऑल्सो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।